बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं, जिनके सार्थक प्रयास नित नई कहानियां रच रही हैं। आज हम खास तौर पर आपको मिलवाएंगे ऐसे युवा किसानों और उद्यमियों से जो पशुपालन के क्षेत्र में कुछ नए आइडियाज लेकर आए हैं और इस क्षेत्र को और भी आसान और कामयाब बना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम न सिर्फ आपको दूध से बनने वाले उत्पादों और इसके द्वारा जो शुरू हुए स्टार्टअप्स हैं इसके बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे इस क्षेत्र में आ रही नई तकनीकों के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आइए शुरू करते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बकरी और ऊंट के दूध से कई तरह के उत्पाद बनाए हैं जो स्वाद और सेहत दोनों के लिहाज से उम्दा है। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं और मिलते हैं हितेश राठी जी से। जनसंख्या वृद्धि के साथ दूध और दूध से बने उत्पाद की मांग में भी बढ़ोतरी होती रही है। मौजूदा समय में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करीब 445 ग्राम दूध की उपलब्धता के साथ वर्ष 2021-22 के दौरान 22 करोड़ 3 लाख टन दूध का उत्पादन की संभावनाओं के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। डेयरी व्यवसाय लाखों ग्रामीणों की आय का मुख्य जरिया है, इसीलिए छोटे या सीमांत किसानों का दुग्ध उत्पादन में काफी सहयोग है। करीब 48% दूध उत्पादक स्तर पर ही उपभोग कर लिया जाता है, जबकि 52% दूध ही शहरी क्षेत्रों में बिक्री के लिए जाता है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय की अपार संभावनाएं मौजूद है। हालांकि इस बीच गाय और भैंस के दूध और उनसे बने उत्पादों की मांग रहती है, ऐसे में ऊंट और बकरी के दूध को कम ही आंका जाता है। सिरोही नस्ल की ये नस्ल हम यहाँ लेके आए हैं, ये हमने CSWRI अविका नगर से ली हैं। इसके अंदर क्या है, सिरोही नस्ल हमने इसलिए यहाँ ली है कि ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, कि इसमें आप दूध के लिए भी और मांस उत्पादन के लिए, और जो सबसे मेन इसका है कि एक ये डिजीज़ रेजिस्टेंट की भी बहुत कम बीमार पड़ती है, कम इसको मेंटेनेंस चाहिए और कम राशन में ये ज़्यादा उत्पादन देती है, तो उसके लिए हमने सिरोही नस्ल हम यहाँ लेके आए हैं। ये हमने 5+1 की इकाई यहाँ हमने स्थापित की है, जिसके अंदर हमारी 5 बकरियाँ और एक मेल जिसको हम बक भी बोलते हैं जो ब्रीडिंग के लिए हैं, तो इनकी हमने जो ली है ये है लगभग 1 से 1.5 साल तक की, 1 से 1.5 साल तक की बकरियाँ हमने परचेज़ की हैं वहाँ से, और इनका अभी अप्रैल और मई के सीज़न में अब इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा, इसमें हम इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, इस जो मेल है इससे मेटिंग करवाएंगे, ताकि ये 5 महीने 5 दिन बाद जब इनका अक्टूबर नवंबर में ये जब ब्याएंगी तो उस टाइम ना ज़्यादा सर्दी होती है तो उस टाइम बच्चों के लिए भी अच्छा मौसम होता है, वो कम बीमार पड़ेंगे, तो उस टाइम जब ये ब्याएंगी तो वो एक अच्छा सीज़न इनके लिए रहता है। जबकि इनके दूध में भी भरपूर पोषण समाया है, हालांकि इसके पीछे ये भी वजह है कि ये स्वाद में थोड़े अलग है, साथ ही इनके दूध का लंबे समय तक ना चल पाना भी शामिल है। इस समस्या को हितेश राठी ने अवसर के रूप में देखा और ऊंट बकरी के दूध से उत्पाद बनाने का विचार किया। इसी सोच के साथ हितेश राठी ने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। हमारी कंपनी नॉन बोवाइन मिल्क यानी कि कैमल और गोट मिल्क के अनेक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग इधर पूसा में है अभी। ये जो एग्जीबिशन मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर के द्वारा की गई है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू कनेक्ट विद
बहुत सारे मैनी स्टेक होल्डर्स जैसे कि अदर स्टार्टअप्स हो गए, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हो गए या डिपार्टमेंट के लोग हैं, और इससे हमको मौका मिलता है कि जो कैमल और गोट मिल्क के फ़ायदे हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो देखा आपने किस तरह हितेश राठी न सिर्फ बकरी और ऊंट के दूध से कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं बल्कि लोगों को अच्छी सेहत का एक विकल्प भी दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पशु अच्छा दूध तभी दे सकता है जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो? पशु स्वास्थ्य अच्छा बना रहे ये पशुपालकों के लिए एक समस्या कई बार बन जाती है, लेकिन एक डिवाइस इस समस्या का समाधान हो सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। हमारी सेहत बेहतर हो और शरीर में होने वाली तब्दीलियों की हमें समय से जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बाजार में कई तरह की डिवाइस उपलब्ध है जो हमें समय समय पर आगाह करती रहती है कि क्या खाए, कितना चले वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पशुओं के लिए भी कोई ऐसी डिवाइस या युक्ति होनी चाहिए जिससे समय रहते उनकी बीमारी और शरीर में हो रही विषम हलचलों की जानकारी मिल सके? एक युवा ने ऐसा सोचा भी और करके भी दिखाया। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वॉच की, जो पशुओं के लिए बनाया गया है जिससे किन बीमारियों की जानकारी मिल सकेगी और ये कैसे काम करती है, जानते हैं स्टार्टअप से जुड़े लोगों से। हम लोग एक डिवाइस स्टार्टअप बनाए हैं जिसमें बोलने काउबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट वॉच फॉर कैटल्स इज काउबिट, फिटबिट फॉर कैटल्स। हम लोग स्तनहरा डिजीजेस लाइक मैस्टिटिस, फूट एंड माउथ डिजीज, साइलेंट हीट हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज करके, एंड IoT डिवाइस से वो AWS पे सर्वर में जाके हम लोग ऐप के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन में लोकल वेटरनरी ऑफिसर और लोकल फार्मर को हम लोग नोटिफिकेशन लोकल लैंग्वेजेस में सप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग फ्री फीड और AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हम लोग सप्लाई करते हैं, एंड वी हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निधि प्रयास स्कीम एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी BIRAC, एंड वी आर इंक्यूबेटेड एट एंड RKV रफ्तार से भी हम लोग को फंडिंग मिला है, एंड वी वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर सपोर्टिंग अस इन दिस वेंचर एंड क्रिएटिंग अ वेलफेयर फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मर वेलफेयर। ये है हमारा एक डिवाइस है, हम लोग उसको ड्यूरिंग दिस कोविड वी हैव स्टार्टेड दिस डिवाइस मॉनिटरिंग काउज हेल्थ। ये गाय के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट गोज टू द फार्मर एंड फार्मर के पास ये जाके उनको जितना सारा प्रॉब्लम है हमारे गाय के अंदर वो जाके उसको इन्फॉर्म करता है थ्रू दिस स्मार्ट डिवाइस। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे सफलतापूर्वक कुक्कुट पालन करने वाले एक अहम शख्सियत से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित गांव-गांव में महिलाओं को बनाया समर्थ, 614 तसर विकास समितियों को तसर रेशम की खेती करने में मिला सरकार का साथ, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए सफल किसान के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जो मुर्गी पालन कर रहे हैं लेकिन एक अलग अंदाज में। आइए मिलते हैं साइकेश जी से। चिकन और अंडे प्रोटीन का सस्ता विकल्प भी है और रोजगार का भी, लेकिन कभी कभी उत्पाद को प्रेजेंट करने का तरीका उसका मूल्य निर्धारित करता है। ठीक वैसे ही जैसे आकर्षक पैकिंग के जरिए उत्पाद का अंदाजा लगाया जाता है, ऐसे में हमारे देश के छोटे किसान व पशुपालक पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके उत्पाद की क्वालिटी तो अच्छी रहती है लेकिन इस तथ्य को जाहिर नहीं कर पाते, लिहाजा बाजार में उन्हें उत्पाद का सही दाम नहीं मिलता। छोटे पशुपालकों के इसी दर्द को समझा हैदराबाद के साइकेश ने। IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भारत के छोटे मुर्गी पालक मुख्य रूप से जो देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं वो कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जितने भी उद्योग हैं, जो भी हम
कहीं पे भी किसानों से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी उद्योग हम करते हैं उन उद्योगों में सबसे कम समय का जो उद्योग है वो है पोल्ट्री फार्म। इसमें 22 से 24 दिन के अंदर जो है हमको पैसा वापस मिल जाता है। तो इससे कम समय में किसी भी तरह का कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है जो इतने कम समय में जो है पैसा रिटर्न कर दे। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है हमारे आजकल तो हर एक ज़िले में हर एक जगहों पर पोल्ट्री फार्म जो KVK से ट्रेनिंग लेते हैं और उनको 5 दिन से लेकर के और 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण के दौरान आप अपने उस सर्टिफिकेट को लेकर के और बैंक में जा सकते हैं और बैंक में जा कर के आपको ईजिली जो है लोन मिल जाएगा इस पर, पिगरी पर, पोल्ट्री पर, गोटरी पर और जितने भी लाइव स्टॉक के आपके उद्योग हैं। ऐसे पशुपालकों को मदद करने के लिहाज से और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से साइकेश ने स्टार्टअप शुरू किया जिसमें वो मुर्गी पालकों को प्रशिक्षण देने का काम भी कर रहे हैं, जिसमें उनके रखरखाव से लेकर उन्हें कैसा आहार दें इसकी भी जानकारी देते हैं। इस समय उनके साथ करीब 1500 किसान जुड़े हैं। साइकेश अपने स्टार्टअप के जरिए ग्राहकों को लाइव डिस्प्ले जानकारी देते हैं, जिसमें ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से उत्पाद को चुन सकता है। इस दौरान ग्राहक ये फिर देख और महसूस कर सकता है कि किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखकर उत्पाद पहुंचाया जा रहा है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे फार्मर्स, स्पेशली बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मर्स जो ये देसी मुर्गियों को बढ़ा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा था। तो उनके साथ हम साउथ इंडिया में स्पेशली 15,000 फार्मर्स से ज़्यादा उन सब से जुड़ के उनको एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में लेकर आके हमने ये ब्रांड हमारा लॉन्च किया था कंट्री चिकन को। और अभी इस फार्मर्स को हम उनको चिक सप्लाई करते हैं और उन्हें कैसे मुर्गियों की तरह बड़ा करना है, कैसे करना है, वो पूरा ट्रेनिंग देके उनसे बैक भी कर रहे हैं। एंड इस फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए हम हैदराबाद से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हैदराबाद में हमारे 4 रिटेल आउटलेट्स भी खुल चुके हैं। और ये रिटेल आउटलेट के थ्रू जो हम फार्मर्स का प्रोड्यूस है, जो ये चिकन्स हैं, उन्हें हम रिटेल आउटलेट्स में के थ्रू हम भेजना हो रहा है। और ये रिटेल आउटलेट्स की स्पेशलिटी ये है कि ये इंडिया में और इनफैक्ट पूरे दुनिया में ऐसे पहले आउटलेट्स है जहाँ पर लाइव बर्ड्स डिस्प्ले है, मुर्गियों हम डिस्प्ले पे रहते हैं, कस्टमर आके चुन सकता है कि उसे कौन सी मुर्गी चाहिए और वहीं पर उसे काट के हम उन्हें दे देते हैं। इतना सब कुछ स्टोर पे होने के बावजूद स्टोर का स्पेशलिटी ये है कि स्टोर में ज़ीरो स्मेल है, कुछ भी गंदा स्मेल नहीं है। इट्स कंसिडर्ड एज द मोस्ट हाइजीनिक स्टोर इन एंटायर वर्ल्ड। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक ऐसे सफल उद्यमी से जिनका स्टार्टअप मुर्गी पालन को आसान और टिकाऊ बना रहा है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रुख करेंगे इस बार नवाबों के शहर का। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में पहुंचेंगे, वैज्ञानिकों और किसानों से मुलाकात होगी, अनुसंधानों और उपलब्धियों की बात होगी। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर उनके पद चिन्ह में चलते हुए कैसे किसानों की आय दोगुना किया जाए, हम उनको फ्री में प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, कैसे उसको ग्रो किया जाएगा उसको बताते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, उसके साथ साथ मार्केट के साथ भी लिंकेज करवाते हैं कैसे बेच सकते हैं। जानने के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम सफल किसान। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं एक और सफल उद्यमी से और देखते हैं कि किस तरह से ये मुर्गी पालन को दो कदम और आगे लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो मुर्गियों के स्वास्थ्य को लेकर आप जरूर चिंतित रहते होंगे। आपको कैसा लगेगा अगर आपको हम ये बताएं कि एक ऐसा डिवाइस भी हो सकता है जो बीमारी के आने की सूचना आपको पहले ही दे सकता है? है ना कमाल की बात। कुछ ऐसा ही इनोवेशन किया है श्रीनिवास जी ने, तो आइए मिलते हैं इनसे। मुर्गी पालन में सबसे बड़ा नुकसान बीमारियों से मुर्गियों की मौत होने से होता है। असमय हुई इस हानि से मुर्गी पालकों को काफी घाटा झेलना पड़ता है। इसके अलावा समय समय पर होने वाली बीमारियों के प्रकोप से बाजार में उत्पाद का सही दाम नहीं मिल पाता। ऐसे में मुर्गी पालक की सहायता करने के लिए श्रीनिवास जी ने कुछ इनोवेशन किए और पोल्ट्री फार्म में उपयोग के लिए एक उपकरण बनाया जो बीमारी आने की सूचना पहले ही दे देती है, जिसके उपयोग से मुर्गियों की सेहत में सुधार आया है और जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है। इसके अलावा भी इसके कई लाभ है, जानते हैं श्रीनिवास जी से ही। प्रोडक्ट का नाम है पोल्ट्री मॉन। पोल्ट्री मॉन मतलब पोल्ट्री मॉनिटरिंग कंप्लीट। इट्स अ स्मार्ट रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग द IoT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्ट ऐसा यूज होता है कि पहला तो ये एनी काइंड ऑफ डैमेजेस को प्रिवेंट करती है, आने से पहले ही बताती है, प्रिवेंट करती है। सेकंड थिंग इज प्रोडक्शन जो है ना, बर्ड्स या चिक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और बढ़ जाती है, और क्वालिटी चिक्स या बर्ड्स का क्वालिटी भी बढ़ जाती है, और साथ में ये एनर्जी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का और बहुत सारे एनर्जी सेविंग्स हो जाते हैं। देन लेबर मैनेजमेंट जो है ना, लेबर का भी एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं ये प्रोडक्ट के साथ। और ये जो है ना, ये मेजर बेनिफिट्स है अपार्ट फ्रॉम द माइनर अदर बेनिफिट। साथ में ये प्रोडक्ट हमारा ये पेटेंटेड है और वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया। इसके साथ में जो रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग, मतलब जो भी कंडीशन क्रिटिकल पैरामीटर्स पोल्ट्री में होता है फोन पे देख सकते हैं। इन ए सिंगल वर्ड ये बोल सकते हैं कि डिजिटाइजेशन ऑफ द एंटायर पोल्ट्री इंडस्ट्रीज और ये काम करते हैं। उसके अलावा ये तो हमारे कस्टमर से ये प्रोडक्ट चल रहा है। तो देखा आपने किस तरह आज के दौर के उच्च शिक्षा प्राप्त युवा कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अपने ज्ञान और अनुभव को लेकर आ रहे हैं, और साथ ही किसान और पशुपालकों के सामने आने वाली समस्याओं का आसान समाधान निकाल रहे हैं। उम्मीद है आज के इस एपिसोड में जो जानकारियां दी गई है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandidi@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ ऐसी ही अनोखी कहानियां, मिलवाएंगे ऐसे ही अनोखे शख्सियतों से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।